हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे हैं। तो अगर आज आपको मेरी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम लग गई है तो उसके लिए आई एम सॉरी। थोड़े टाइम से मैं जो है खुद भी ठीक नहीं चल रही हूँ, तो आपको मेरी वॉइस से ही ऑलरेडी पता लग रहा होगा। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए जो है हेयर कट की वीडियो लेके आई हूँ। तो आप जो है आराम से बैठिए, फुल वीडियो देखिए एंड सीखिए कि किस तरह से आपको जो है हेयर कट करना है। जब आप लॉन्ग हेयर्स में शोल्डर जो है कट करोगे तो आपको किस तरह से करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे क्लाइंट के जो हेयर्स हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं थे, मीडियम लेंथ थी। एंड अभी उन्होंने मुझे बोला था कि उन्हें जो है शोल्डर लेंथ चाहिए, तो यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले उनके जो है हेड वॉश किया था, देन जो है कंडीशनर अप्लाई किया, उसके बाद जो है कॉम किया एंड जो एक्स्ट्रा हेयर थे, जो रफ हेयर थे, उन सभी को काट दिया है। एंड यहाँ पर थोड़ा उठा के मैं इसलिए काट रही हूँ ताकि जो शीट है वो कट ना हो कहीं, क्योंकि कई बार जो है हमारी शीट ही साथ साथ में कट हो जाती है, मतलब हो चुकी है मेरी शीट इस वजह से कट, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने जो है एक गाइडलाइन ली थी, बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन लिया था नेप एरिया से एंड देन उसको जो है मैंने 0 डिग्री पे जाके कट किया था। बिल्कुल स्ट्रेट आपको कट करना है एंड आपको जो है ग्रिप बनानी है, आपको सेक्शन लेते टाइम किस तरह से आपको सेक्शन को होल्ड करना है वो आपको आना चाहिए। एंड आप देख सकते हैं सेक्शन होल्ड करने का तरीका, आपको जो है 2 फिंगर्स में के बीच में जो है बालों को होल्ड करना है, देन उसको जो है कट करना है। एंड कॉम जो है आपका साथ साथ आपको कॉम भी करना है। उसके बाद ये आपकी गाइडलाइन बन गई है जिसको आप दोनों तरफ जो है यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको जो है सेक्शन टर्न बाय टर्न आपको सेक्शन लेने हैं, देन आपको जो है कट करना है हेयर्स को। तो आप जो है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेक्शन ना लीजिए तो इससे आपका जो है हेयर कट ख़राब होने के चांसेस है, चांसेस के आपका हेयर कट ख़राब हो जाएगा। कोई भी आप हेयर कट कर रहे हो तो आपको जो है सेक्शन जो है बहुत ही मीडियम सेक्शन लेने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेक्शन नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है मीडियम सेक्शन लिए थे एंड उसको कट करते हुए मैं फ्रंट की तरफ गई हूँ। एंड सेक्शन होल्ड आपको सिर्फ 0 डिग्री पे ही करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 0 डिग्री पे जाके उनका जो हेयर कट है वो करना स्टार्ट कर दिया था। एंड शीट जो है आपको ज़रूर लगानी है जब आप हेयर कट कर रहे हो, विदाउट शीट आपने ऐसे कट नहीं करना है, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको हेयर शीट जो है ज़रूर लगानी है एंड आपको सेक्शन करने जो है ज़रूर आने चाहिए जब आप हेयर कटिंग कर रहे हो। एंड सीजर पकड़ने का जो है आपको तरीका आना चाहिए कि आपको किस तरह से सीजर को होल्ड करना है। कई लोग क्या करते हैं, सीजर को अलग से रख देते हैं, कॉम को अलग से रख देते हैं, बट जब आप हेयर कट कर रहे हो सीजर एंड कॉम जो है आपके हाथ में ही होना चाहिए, उसको आप जो है साइड में नहीं रखोगे। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप उसको साइड में रख सकते हो, बट 99% आपको जो है आपके सीजर एंड कॉम जो है आपके हैंड में ही होना चाहिए। सो होल्ड करने की टेक्निक आपको जो है आपको आदत डालनी पड़ेगी इस चीज़ की। तो यहाँ पे अभी आए हैं हम फ्रंट सेक्शन में, तो फ्रंट सेक्शन को भी आपको जो है 0 डिग्री पे करना है। एंड आप देख सकते हैं मैंने लिया है सेक्शन, उसको जो है ग्रिप किया है, देन उसको मैंने जो है कट किया है। तो जब आप कटिंग कर रहे हो आपकी ग्रिपिंग जो है अच्छी होनी चाहिए, आपको सीजर जो है अच्छी तरह से चलाना आना चाहिए। एंड स्पेशली जब आप हेयर कट कर रहे हो तो आपको जो है कॉम एंड सीजर जो है आपके हाथ में ही रहना चाहिए। तो आपने मेरी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें जो है कॉम एंड जो सीजर है वो मेरे हाथ में ही होता है। सॉरी फॉर माई वॉइस, अगर आपको वॉइस जो है थोड़ी हैवी लग रही है तो मैं इसका वॉल्यूम जो है काफ़ी कर दूंगी, बट थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है तो इस, बट फिर भी आप सभी के लिए मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको जो है वीडियो जो है वो लगातार आती रहेंगी। आई एम सॉरी, तो आपको जो है वीडियो जो है रेगुलर मैं देती रहूँगी। एंड आप वीडियो को फुल देखिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड यहाँ पे मेरा हेयर कट जो है डन हो गया था, उसके बाद जो है मैंने क्लाइंट के हेयर्स के ऊपर जो है ब्लो ड्रायर किया था। एंड ब्लो ड्रायर जो है मैं इनरवर्ड कर रही हूँ, इनवर्ड जो आप जिसको आप बोल सकते हो, आउटवर्ड जो है शॉर्ट हेयर्स में नहीं अच्छा लगता है, तो आप जो है इनवर्ड जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इनवर्ड जो है ड्राई कर रही हूँ। एंड ड्रायर में आपका जो हीट है वो आप फुल रखिए अकॉर्डिंग टू द हेयर्स। एंड यहाँ पे मेरे क्लाइंट के बाल जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल थे एंड वर्जन बाल थे, एंड तो फुल हीट में मैंने जो है उनको जो है ड्राई किया था। एंड ड्रायर जो है मैं कर रही हूँ आइकॉनिक का यूज़, एंड उसको जो है फुल हीट पर रख के उनको सबसे पहले मैंने उनके जो है रूट्स क्लियर कर रही हूँ, देन उसके बाद जो है मैं उनके लेंथ के ऊपर वर्क कर रही हूँ। एंड
यही चीज़ आपको जो है रिपीट करनी है ऑल ओवर द हेयर्स। एंड अगर आपको जो है ट्राई करने में आप न्यू हो या आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं या वीए वाली वीडियो को देख देख के आप सीख सकते हैं कि आपको जो है ट्राई किस तरह से जो है करना है। तो अगर आप न्यू हैं तो अगर आप न्यू जो है ट्राई सीख रहे हो या ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हो तो मेक श्योर प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो दिस इज़ माई थिंकिंग के अगर आप कोई भी चीज़ है अगर आप हाथ के रिलेटेड कुछ कोई चीज़ सीख रहे हो तो आपको जो है प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा करनी ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके हाथ कभी भी नहीं उस तरह से चलोगे जिस तरह से हम चाहते हैं। तो प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बनाती है। तो आप हर चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा जो है टाइम है फ्री टाइम है तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, मम्मा के ऊपर कीजिए, अपनी सिस्टर के ऊपर कीजिए। तो हर चीज़ को आपको जो है प्रैक्टिस करके ही जो है आप परफेक्ट बन कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ब्लो ड्रायर जो है ख़त्म होने के ऊपर आ गया है। तो अगर आपको मेरी जो वीडियोस हैं पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को जो है लाइक कीजिए और वीडियोज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियोज़ जो आप सभी के लिए मैं लेके आती हूँ। कोई भी यहाँ पर आपको जो है पैसा नहीं देना है, कोई भी जो है फीस चार्ज नहीं करती हूँ। बस आपको जो है मेरी वीडियो को पूरा देखना है एंड मेरे वीडियोस को जो है आपको लोगों के साथ शेयर करना है ताकि लोगों को भी बहुत अच्छी चीज़ें जो है घर बैठ के जो है फ्री में सीखने को मिले। तो यही मेरा कहना है। काफ़ी लोग जो है मेरे चैनल के ऊपर आते हैं, नॉन सब्सक्राइबर भी हैं, तो उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि आप जो है मेरी वीडियोज़ को जो है लाइक कीजिए। तो दिस इज़ द फुल लुक, आई होप सो। आप देख सकते हैं कितना प्रिटी लुक आया है एंड उनके फेस के ऊपर जो है कितना सूट कर रहा है। एंड आई होप सो आपको ये मेरा जो वीडियो है, वीडियो ट्यूटोरियल है, आपको मेरा पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।